नमस्कार, वोगल टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 5 वर्षों के संघर्ष के बाद रायपुर के प्रेस क्लब में आखिरकार चुनाव होने जा रहे हैं। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे अलग अलग पैनल से, अध्यक्ष के पद के लिए, उपाध्यक्ष के पद के लिए, संयुक्त सचिव कोषाध्यक्ष के पद के लिए बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं और उनमें से छत्तीसगढ़ के दिग्गज पत्रकार अनिल पुसतकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले प्रेस क्लब के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनसे सीधे चर्चा करते हैं और क्या कुछ अहम मुद्दे होने वाले हैं इस बार चुनाव में, जिसको लेकर के वो प्रेस क्लब के चुनाव में उम्मीदवार बने हुए हैं, उसको लेकर के हम चर्चा करते हैं। बताइए सर, क्या कुछ अहम मुद्दे हैं प्रेस क्लब को लेकर के? 5 सालों से क्यों चुनाव नहीं हो पाया, क्या कुछ राजनीति रही? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 5 साल में जो चुनाव नहीं हुए वो हाईकोर्ट से स्टे लेकर रोका गया चुनाव को। इसके पहले भी 5 साल का कार्यकाल ज़्यादा रहा है, 6 साल का मेरा ही रहा है, 6 साल में अध्यक्ष रहा। तब हमने किसी हाईकोर्ट का ना सहारा लिया ना कुछ। तब यहाँ के जितने वरिष्ठ हमारे जो संपादक थे, तब उन्होंने कहा, सबसे सहमति लेकर कहा कि नहीं अनिल, तुम कंटिन्यू करो। तो हम लोग कंटिन्यू करते थे। एक समय ऐसा था कि मनोनीत करते थे, कोई बनना नहीं चाहता था। लेकिन ये जो पिछला 5 साल है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है रहा है, क्योंकि कोर्ट तक आप ले गए। और अब बताइए, चुनाव जो है प्रेस क्लब का आपस में होता था, वो कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर अगर चुनाव करा रहे तो दुर्भाग्यजनक है। और इस बार जो है चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो मतदाता सूची है, उसे पिछली बार जो काट छाट की गई थी और जो उससे छेड़छाड़ की गई थी, उसको ठीक करना है। और आप बताइए, पिछले 5 साल में जितने पत्रकार हैं, आप भी आए हैं 5 साल में, आप लोग भी युवा हैं, आप लोग को मदद यहाँ सदस्यता ही नहीं, तो वो सदस्यता जो पत्रकार जो 5 साल से वंचित है उनको हमको सदस्य बनाना है। और जो यहाँ पिछले 5 साल में जो भी गड़बड़ियाँ हुई, आर्थिक गड़बड़ियाँ, उसकी जाँच करवाना है। प्रेस क्लब के परिसर को लेकर के क्या कुछ आप कार्य आने वाले समय में आपने सोचा है करने के लिए? देखिए, प्रेस क्लब के परिसर में तो जो है बहुत कुछ जो है, मेरा 5 कार्यकाल रहे, 5 बार मैं अध्यक्ष रहा हूँ, रिकॉर्ड 2 बार से ज़्यादा यहाँ कोई नहीं रहा, मैं 5 बार रहा हूँ। तो 5 बार के कार्यकाल में मुझ पर एक पैसे का कोई आरोप नहीं लगा। इतना बड़ा हॉल बना और हमारा हॉल सबसे अच्छा है, प्रेस क्लब का परिसर सबसे अच्छा है। प्रेस क्लब के परिसर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ कभी शादियाँ हुआ करती थी अपने प्रेस क्लब में, लोगों के अपने सदस्यों की रिसेप्शन हुआ करते थे। तो हम चाह रहे हैं पीछे जो ज़मीन खाली पड़ी है वहाँ एक मंगल भवन बना लें, जो हमारे पत्रकार साथियों काम आए। दूसरा जो है महत्वपूर्ण बात जो है वो ये जो पत्रकारों के लिए आवास, उस वो हमारा प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि इस बार जो आवास दिया गया है वो बहुत ही निहायत ही घटिया BSUP का है, जो व्यवस्थापन का आवास रहता है और उसमें ढेरों अनियमितताएँ, ढेरों गड़बड़ियाँ हैं, वो हम पत्रकारों के लायक नहीं है। हमारे पत्रकारों के सम्मान के साथ खिलवाड़ है अगर हमको कोई व्यवस्थापन का झुग्गी झोपड़ियों के व्यवस्थापन वालों के जो मकान हमको देता है। मेरे कार्यकाल में हमने पहले बहुत मकान बांटे, 700 से ज़्यादा मकान बांटे, जिसमें कचना, सेज बहार, सड्डू, यहाँ MIG, LIG नहीं बांटे। दुर्भाग्य से HIG कोई खरीद नहीं पाया, तो HIG नहीं बटा और बहुत सारे जो फ्लैट हमको वापस करने पड़ गए। तो हम जो बच गए हैं उन साथियों के लिए सबसे पहले, और जो पिछली बार झांसे में आकर जो झोपड़पट्टी का मकान ले लिए, उन सब के लिए आवासीय व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उनको ही आवास दिलाएंगे। सर, अभी हम देखते हैं कि नए पत्रकार जो उम्र में भी काफ़ी छोटे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ आ रहे हैं, तो उनके स्किल को डेवलप करने के लिए क्या कुछ आपने सोचा है? देखिए, स्किल डेवलपमेंट जो है वो तो आपस के जो बात होती है उसमें होता है। एकेडमिक भी होते थे पहले, एकेडमिक देखिए 5 साल में कोई एकेडमिक कार्यक्रम नहीं हुआ। पहले हम लोग के कार्यकाल में डॉक्टर अमर सिंह से लेकर बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ आए हैं, बड़े बड़े राजनेता आए, लेकिन ये पिछले 5 साल में आप देखेंगे तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो हम फिर से कोशिश करेंगे कि एकेडमिक एक जो है प्रोग्राम होता था यहाँ, रूबरू होता था, वो सब फिर से चालू कराएं। बड़े बड़े साहित्यकार और पत्रकारों को बुलाएं, बड़े बड़े पत्रकार यहाँ आ चुके, प्रभास जोशी जी भी आ चुके हैं यहाँ, तो ऐसा नहीं वैदिक जी आए हैं, मेरे ही कार्यकाल में आए हैं। तो हम चाहते हैं कि फिर से वो सब हो। और जो आपने ठीक कहा, ठीक है आपका सवाल कि युवाओं को, युवाओं में जोश ज़्यादा रहता है, तो जोश में क्या है, बहकता है युवा, वो फिर सोचता है सरकार गिरा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो वो सब उसके मन में ना आए, वो सीखे। तो सीखने के लिए ये है कि उसका सबसे अच्छा जो उपाय होता है वो चर्चा होती है। आप प्रेस क्लब आते हैं युवा तो चर्चा करेंगे, तो चर्चा में सीख जाते हैं, और बाकी वर्कशॉप अगर वो चाहें तो वर्कशॉप लगाएंगे। हम तो पहले, मैं प्रेस क्लब में सबसे पहले पत्रकार फोटोग्राफरों के लिए प्रदर्शनी मैंने शुरू की थी, तो सारे काम तो होते हैं और करना भी है, और ये हमारा काम भी है। देखिए, 2 चीज़ है, ये प्रेस क्लब का काम रिक्रिएशन का होता है,
लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ छत्तीसगढ़ में ट्रेड यूनियन की कोई टीम नहीं है, इसलिए हमको ट्रेड यूनियन का भी काम करना पड़ता है। हम पत्रकारों के अधिकारों के लिए लड़े हैं, एक बार नहीं बहुत बार मैं लड़ाई किया हूँ, और हमेशा। अब मेरे कार्यकाल में तो अक्सर ये होता था कि नहीं चलो सीएम से ही बात करो, सीएम से ही झगड़ा करो, हम तो करते भी थे इस, लेकिन पिछले 5 साल में पत्रकारों के साथ जो जुल्म हुए हैं उसमें कोई बोलने वाला नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, सबको ठीक करना है, यही है अव्यवस्था जो है, अव्यवस्था का जो आलम है उसको ठीक करना पहली प्राथमिकता है। एक आखिरी सवाल सर, महिलाओं की जो भागीदारी है मीडिया में वो थोड़ी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इस क्लब के परिसर में हम देखेंगे तो ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर नहीं आ पाती हैं, कारण क्या है ये तो अज्ञात है, नहीं कहना चाहिए, आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए प्रेस क्लब में, ठीक है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, पहले भी थी महिलाओं की भागीदारी। देखिए ये तो आपका हक है, ये आपका हिस्सा है, इसको आप अगर लोगे नहीं, छोड़ दोगे, तो फिर कोई क्या आपको हक दिलाएगा? आपको आना पड़ेगा। आप आओगे नहीं और बोलोगे कि मैं आऊँगी नहीं, और फिर बोलोगे कि नहीं हाँ आते नहीं, तो ये गलत बात है। पहले तीन चार पत्रकार हुआ करती थी, महिला पत्रकार आशा दीदी थी, रत्ना वर्मा थी, शशि परगनिया जी थी, ये लोग तो रेगुलर आते थे। उस दौर में तो लड़कियाँ पत्रकारिता में आती भी नहीं थी। तो देखिए अब जब आप फील्ड में घूम रहे हो, आप जगह जगह भीड़ में घुस के बाइट ले रहे हो, तो वहाँ आप काम कर सकते हो, तो प्रेस क्लब में आपको क्या दिक्कत है? और दूसरा ऐसा तो है नहीं प्रेस क्लब में कोई कि अशोभनीय हरकत किसी के साथ हुई हो, तो आपको आना चाहिए, जो आएगा आपका हक है, आप ही नहीं लोगे तो कोई आपको कहे ज़बरदस्ती तो आपको खाना खिलाएगा नहीं। ठीक है सर, तो देखिए प्रतिष्ठा पैनल से अनिल पुसतकर जी हमारे साथ मौजूद थे, और चुनाव को लेकर के क्या कुछ उनके अहम मुद्दे रहेंगे उस पर हमने चर्चा की, और ऐसे ही अलग अलग पैनल के अध्यक्ष के पद के लिए जो भी खड़े हुए हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल वोकल टीवी से। लक्षिका साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ से।